Good morning, friends. Good morning, everyone. I, Vinod Reddy, welcome all of you to this booster revision lecture number 10, my friends. Booster revision lecture number 10 के लिए तैयार हो क्या बच्चों? तो कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. याद है आपको? ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग कल हमने स्टार्ट किया था, बराबर बच्चों? तो चलो, कल हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और मैंने आपको बोला भी था कि ये पहला ही क्वेश्चन है, बट मैं बहुत लेंदी पार्ट में, जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें मैं डायरेक्टली हाथ डाल रहा था. ऐसे मैं बोला था आपको, एंड यस्टरडे आई हैव टॉट यू हाउ टू डू द रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स बाय, कौन से मेथड से पढ़ाया था मैंने, बोलो आप कमेंट में, कौन से मेथड से ऑलरेडी पढ़ाया था कल मैंने? ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. क्या बोलते हैं? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. एंड दूसरा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड. साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड से मैंने आपको बताया था बच्चों. यस, तो चलो फिर, गुड मॉर्निंग अगेन एवरीवन, एंड एज आई सेड, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस लेक्चर 10 ऑफ बूस्टर रिवीजन. लेक्चर 10 ऑफ बूस्टर रिवीजन ऑफ CA इंटर कॉस्टिंग. CA इंटर कॉस्टिंग माय फ्रेंड्स, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं? 25 टू 27 रह सकते हैं, करेक्ट है? टोटल 60 आवर्स का कंटेंट है ये, करेक्ट है? जिसमें से ये 10th लेक्चर अभी यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है ऑब्वियसली, राइट? एंड टोटल ये सारे लेक्चर्स अगर आपको देखना है तो यू कैन बाय दिस कोर्स फ्रॉम www.perceptforca.com और www.vsmartacademy.com. यहां से आप ये बाय कर सकते हो बच्चों, राइट? चलो फिर कंटिन्यू करें हम सब लोग. यस, कंटिन्यू करें बच्चों. तो कल हमने ये चार्ट बनाया था एंड में, याद है कि आपको, मेथड्स ऑफ रीअपॉर्शनमेंट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम, मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, ट्रायल एंड एरर मेथड से, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट किए थे बच्चों. इनफैक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया था दोनों मेथड से. बहुत कम चांस है कि एग्जाम में दोनों दोनों मेथड से वो क्वेश्चन पूछेंगे. अच्छा मुझे बताओ बच्चों, व्हेन स्टेप लैडर मेथड इज यूज्ड, when step ladder method is to be used, step ladder method kab use hota hai, tell me, when services are provided by one service department to other service department. Yes, when services are provided by one service department to another service department but reciprocal services are not provided, matlab if S1 gives a service to S2, S2 doesn't give back the service to S1,
एस टू डजंट गिव बैक द सर्विस टू एस वन. अगर ऐसा रहा तो वी यूज स्टेप लैडर मेथड. वी यूज स्टेप लैडर मेथड माय फ्रेंड्स. व्हेन सर्विसेज आर गिवन बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट बट रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड. रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड. ऐसा सीन रहा तो वी यूज स्टेप लैडर मेथड. तो ये कैसे स्टेप लैडर मेथड यूज करते हैं उसके लिए चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Please read problem number 24 on page 9 of the PDF provided to you. Chalo bacho, problem number 24 aap padh lo bacho. Problem number 24. Yes. Problem number 24 on page number 9. On page number 9. Problem number 24, page 9, my friends. Yes. Start karna hai? Problem number 24, page 9. Deccan Manufacturing Limited. Deccan Manufacturing Limited have three departments which are regarded as production department. So X, Y, Z, ye production department mujhe dikh rahe niche. Service department costs are distributed to this production department using step ladder method. Agar aapke paas iska printout hai, to underline karo bacho. Using step ladder method. Estimates of factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows. Okay. Data required for distribution is shown against each department. So production department XYZ, factory overhead cost diya hua hai, right? XYZ, P, Q, R, S ka diya hua hai. Aur kuch information hai, direct labor hours, number of employees, area in square meter, aisa kuch diya hua hai. Okay. Overhead cost of four departments are distributed in the same order. Underline karo. Are in the same order. Kya order? P, Q, R, S respectively. Are in the same order. Matlab pehle P, baad mein Q, baad mein R and baad mein S. Ab samajh rahe bacho? You are required to prepare a schedule showing distribution of overhead cost of four service department to three production departments and calculate the overhead recovery rate per direct labor hour. Overhead recovery rate per direct labor hour. So write down. Chalo, hum bana lete statement bacho. Write down. Statement showing. Yes, write down. Statement showing reapportionment of overheads. Statement showing reapportionment of overheads by which method, my friends? By step ladder method. Statement showing reapportionment of overheads by step ladder method and calculation of kya calculate karna hai batao? Calculation of overhead recovery rate per labor hour. Overhead recovery rate per labor hour. Overhead recovery rate per labor hour. Yes, bacho. Chalo fir. Karna hai calculate. Statement showing reapportionment of overheads by step ladder method and calculation of overhead recovery rate per labor hour. Particulars. Particulars. Yes, बोलो अभी क्या क्या लिखो. Particulars उसके बाद लिख देता हूं. लेट्स से टोटल ओवरहेड्स. Particulars टोटल ओवरहेड्स उसके बाद में बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट. बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट एंड उसके बाद में और सेवन कॉलम्स है बच्चों. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओके. तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है एक्स वाई एंड जेड एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स. कौन से सर्विस डिपार्टमेंट्स है बच्चों? पी क्यू आर एस. एक्स वाई जेड सर्विस डिपार्टमेंट पी क्यू आर एस. Service departments P, Q, R and S.
सर्विस डिपार्टमेंट्स PQRS। चलो ये फॉर्मेट सब लोग रेडी कर दो बच्चों, और हमें सॉल्व करना है स्टेप लैडर मेथड से। ऊपर हेडिंग में ही लिख दिया है हमने, क्या लिखा है हेडिंग में एक बार वापस बढ़ो। स्टेटमेंट शोइंग रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, स्टेटमेंट शोइंग रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स बाय स्टेप लैडर मेथड एंड कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आर। ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आर, ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आर। चलो बोलो फिर, अभी कैसे सॉल्व करना है आप ही बता दो मुझे। यस बच्चों, यस, क्या दिया है उन्होंने पहले वो बताओ। ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आप लोग से कहाँ हो चुका है, किसने बोला आपको? देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड कॉस्ट दिया है ना मेरे भाई, इसका मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर। कितना है एक्स का बोलो? 193,000, देन 64,000, 83,000, देन 45,000, 75,000, 45,000, 75,000, 1,05,000 एंड 30,000, 1,05,000 एंड 30,000। चलो करो टोटल, इज इट 1,93,000 प्लस 64,000 प्लस 83,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस 1,05,000 प्लस 30,000, टेल मी वेदर दिस टोटल इज 5,95,000। आप मुझे कमेंट में बता दो बच्चों, यहां तक आपको समझा है क्या? टोटल 5,95,000, कमेंट में बता दो बच्चों प्लीज, यहां तक सब करेक्ट है क्या? यस, मौसम, दीपाली, प्रीति, सब लोग बता दो बच्चों प्लीज, यहां तक क्लियर है क्या? ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 5,95,000 ये उसका टोटल है, यहां तक क्लियर है क्या? यस, वेरी गुड, ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अब हमें करना है रीअपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट ऑब्वियसली, और वो करना है हमें स्टेप लैडर मेथड से। कौन से मेथड से? स्टेप लैडर मेथड। उसके लिए बच्चों सर्विस डिपार्टमेंट PQRS ये चारों का ओवरहेड जो है, ये आपको अभी चारों का ओवरहेड का जो अपॉर्शन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे रीअपॉर्शन करना पड़ेगा। ओके, सर्विस डिपार्टमेंट PQRS, और उन्होंने क्लियरली बोला है कि तुम्हें इसी सीक्वेंस में करना है, सर्विस डिपार्टमेंट P, सर्विस डिपार्टमेंट Q, R एंड S। ये सीक्वेंस सही में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? तो आंसर इज यस। क्यों? आपको समझेगा अभी यहाँ पे। ओके, सर्विस डिपार्टमेंट P के ओवरहेड्स किस रेशियो में अपॉर्शन करना है बच्चों? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो आप मुझे बताओ P पे ओवरहेड्स अपॉर्शन कितने हैं अभी फिलहाल? 45,000 है, तो यहां पे मैं निगेटिव 45,000 लिख देता हूँ, निगेटिव 45,000, यस और नो? एंड ऑब्वियसली अब ये रो का टोटल तो नील आने वाला है बच्चों, 45,000 निगेटिव है एंड ऑब्वियसली 45,000 रीअपॉर्शन होगा अभी बच्चों। डिपार्टमेंट्स में किस रेशियो में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, किस रेशियो में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये रेशियो है बच्चों। एंड आप ही बताओ मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का क्या रेशियो है? देखो सुनो, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे मुझे लगता है, क्या रेशियो है बोलो? 100:125:85:2। अब सुनो, 100:125:85:2। अब पी के एम्प्लॉइज मत लो, क्योंकि पी का तो कॉस्ट रीअपॉर्शन होने जा रहा है, तो इट इज 50:40:50, 50:40:50। समझा क्या? आप क्या मिस्टेक कर सकते हो? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो शायद आपको एक एक्सीडेंटल स्पॉट समझेगा जहां पे आप मिस्टेक कर सकते थे। तो ये जो पी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है ये लेना नहीं यहाँ पे, क्योंकि पी का कॉस्ट तो आपको रीअपॉर्शन करना है यहाँ पे। तो आप बताओ बच्चों, 100 + 125 प्लस 85 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 50 का टोटल आ रहा है 450। तो 45,000 डिवाइड बाय 450 कम्स टू 100। तो चलो फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो दिस इज 10,000, 12,500, 8,500, दिस इज 5,000, 4,000 एंड 5,000। चलो यहां तक समझा क्या?
एंड आप क्या मिस्टेक कर सकते थे वो भी समझा के बताओ बच्चों। ये बूस्टर रिवीजन का पर्पस तो यही है ना, यस और नो? अब आपके दिमाग में तुरंत एक पॉइंट गया यहां पे, हाँ यार ये मिस्टेक मैं कर सकता था, वो आपको नहीं करना है, बस अब याद रखना है आज के क्वेश्चन के बाद में। अब चलो दूसरा मिस्टेक का स्पॉट बताता हूं मैं आपको। ओके, अब सर्विस डिपार्टमेंट क्यू के ओवरहेड्स अपॉर्शन करना है किस रेशियो में, बोलो? डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशियो में, डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशियो में। ओके चलो आप बताओ, यहां पे पहला स्पॉट बताता हूं, स्टूडेंट क्या कर सकता है, क्यू में जाके वो -75,000 लिख सकता है। तो -75,000 नहीं लिखना है, -80,000 लिखना है, 75 + 5। तो आप बताओ बच्चों, अगर पी की जगह मैंने पहले क्यू किया होता तो 75,000 ही नेगेटिव होता ना वहां पे। इसका मतलब यहाँ पे सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पी हैज गिवन द सर्विस टू क्यू नाउ। एंड अब सुनो दूसरा एरिया, एज वी आर यूजिंग स्टेप लैडर मेथड, इट इज वेरी क्लियर कि रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड, तो क्यू इज नॉट गिविंग गोइंग टू गिव बैक द सर्विस टू पी। तो मतलब क्यू में से कोई एक्सपेंडिचर पी में रीअपॉर्शन नहीं होने वाला, तो पी में मैंने नील कर दिया, समझ रहे हो क्या? एंड आप बताओ, अगर पी में ये मैंने नील कर दिया है तो बचा हुआ रेशियो आप मुझे बता दो। तो ये रेशियो है नंबर ऑफ लेबर आवर, लेबर आवर्स का रेशियो 4,000 3,000 4,000, तो इट इज 4:3:4, 4:3:4। अब पी के ना लेबर आवर्स मत लेना, क्यू के लेबर आवर्स भी मत लेना, एंड दिस इज 6:3:6:3। तो ये टोटल आ रहा है 11 + 20, तो 80,000 / 20, सो 4,000 × 4, यस 16,000, 4,000 × 3 12,000, 4,000 × 4 16,000, 4,000 × 6 24,000, 4,000 × 3 12,000। ये सबका टोटल बच्चों, टोटल 80,000 हुआ कि नहीं आप ही बता दो मुझे। यस सबका टोटल 80,000 हुआ या नहीं? तो ये लेबर आर्स का रीअपॉर्शनमेंट हो गया, लेबर आर्स का रीअपॉर्शनमेंट हो गया, यस और नो? चलो बच्चों यहां तक सब क्लियर है क्या, बता दो? यस दीपाली, स्वराली, दर्शन, मौसम, प्लीज बता दो मेरे भाई। यस क्लियर है यहां तक? अब सर्विस डिपार्टमेंट एस, सर्विस डिपार्टमेंट एस के ओवरहेड्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स पे अपॉर्शन होने वाले, तो आप बताओ एयर सर्विस डिपार्टमेंट आर के ओवरहेड्स। तो आर में सबसे पहले तो बताओ कितना निगेटिव लिखो, तो 1,05,000 + 4,000 + 24,000, टेल मी इज इट 1,33,000? सबसे पहले तो ये बताओ इज इट निगेटिव 1,33,000, निगेटिव 1,33,000, एंड पी एंड क्यू में जाके निल लिख दो बच्चों। इसका मतलब एक बार वो पी का टोटल निल हो गया बच्चों, 45,000, -45,000 निल हो गया, बाद में कोई पॉजिटिव होने का चांस ही नहीं है, बिकॉज रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड, रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। हम चलो बोलो फिर, एरिया इन स्क्वायर मीटर्स का क्या रेशियो है तुम ही बता दो, एरिया इन स्क्वायर मीटर्स का रेशियो मेरे भाई। यस इट इज 30:15:15, 30:15:15, करेक्ट है? 30:15:15। अब पी क्यू आर में कुछ मत लिखना, डायरेक्ट एस में लिख देना, दैट इज 10, दैट इज 10। तो ये टोटल आ रहा है बच्चों मेरे ख्याल से 70, तो 1,33,000 / 70, ये आता है 1,900। तो 1,900 × 30, टेल मी इज इट 57,000, देन × 15, टेल मी इज इट 28,500, इट इज 28,500, एंड टेल मी इज इट 19,000, इज इट 19,000, 30:15:15:10, यस सोराली करेक्ट है। तो एरिया इन स्क्वायर मीटर्स हो गया बच्चों, देन एस के ओवरहेड्स। अब सबसे पहले तो बताओ एस में जाके क्या लिखूं निगेटिव नंबर वो बताओ, तो इट इज 30,000 + 5,000 + 12,000 + 19,000, टेल मी वेदर दिस टोटल इज 66,000, वेदर दिस टोटल इज 66,000, एंड इसमें से पी क्यू आर में कुछ नहीं जाने वाला, ये भी सब लोग जानते हो, बिकॉज रेसिप्रोकल सर्विसेस आर नॉट प्रोवाइडेड, रेसिप्रोकल सर्विसेस आर नॉट प्रोवाइडेड, ये भी आप जानते हो बच्चों। तो बताओ अभी 66,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में जाने वाला है, डायरेक्ट लेबर आर्स, डायरेक्ट लेबर आर्स।
तो बताओ अभी डायरेक्ट लेबर आवर्स का रेशियो एक्स वाई जेड के इसमें क्या है, 4:3:4 क्या है, 4:3:4 माय फ्रेंड्स। तो 66,000 डिवाइडेड बाय 11 या था 6,000 इनटू 4 24,000, 18,000 एंड 24,000। चलो बताओ यहां तक सबको समझा क्या? अब बताओ बच्चों अगर यहां पे मैंने पी क्यू आर एस ये जो सीक्वेंस दिया था वो सीक्वेंस चेंज किया होता तो आंसर अलग आता क्या? आप मुझे बता दो कमेंट में, यस और नो में। अगर ये पी क्यू आर एस ये सीक्वेंस में मैंने ओरेट्स अपोर्शन किए, अगर मैंने समझो क्यू आर एस पी ऐसे लिया होता या एस क्यू आर पी ऐसे लिया होता तो अब ये जो टोटल आने वाला है ये सेम आता या अलग आता? आप ही बता दो मुझे, सेम आता या अलग आता? ये टोटल अलग आता बच्चों, क्योंकि ये स्टेप लैडर मेथड है। अगर पी की जगह क्यू पहले अपॉर्शन होता तो ऑब्वियसली क्यू में से कुछ ओरेट्स पी में ऐसे आ जाते, पी में आ जाते फिर, एंड डेफिनेटली ये सब टोटल चेंज हो जाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एज स्टेप लैडर मेथड इज यूज्ड ओवर हियर रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड, रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। लेकिन तो यहां पे मैं लिख देता हूं जस्ट फॉर आवर नॉलेज, एज स्टेप लैडर मेथड इज यूज्ड, एज अ स्टेप लैडर मेथड इज यूज्ड कॉमा इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर दैट रेसिप्रोकल सर्विसेस आर नॉट प्रोवाइडेड, इट इज वेरी क्लियर दैट रेसिप्रोकल सर्विसेस आर नॉट प्रोवाइडेड, इट्स वेरी क्लियर दैट रेसिप्रोकल सर्विसेस आर नॉट प्रोवाइडेड माई फ्रेंड्स, येस और नो? तो चलो करो फिर टोटल अभी डिपार्टमेंट वाइज, 1,93,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 57,000 प्लस 24,000, टेल मी वेदर दिस टोटल इज 3 लैक्स, 3 लैक्स, देन 64,000 प्लस 12,500 प्लस 12,000 प्लस 28,500 प्लस 18,000, वेदर दिस इज 1,35,000 माई फ्रेंड्स, ओके देन 83,000 प्लस 8,500 प्लस 16,000 प्लस 28,500 प्लस 24,000, वेदर दिस टोटल इज 1,60,000, वेदर दिस टोटल इज निल, दिस इज निल निल एंड निल, चेक करो, दिस इज 3 लैक्स प्लस 1,35,000 प्लस 1,60,000, टोटल 5,95,000 टैली हो रहा है यहां तक। तो चलो समझा क्या बच्चों बता दो प्लीज, समझा क्या? स्टेप लैडर मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे और अपने को ये रीअपॉर्चनमेंट हो गया, और क्या कैलकुलेट करना है बच्चों आपको? ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो राइट डाउन डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स है यहाँ पे 4,000, 3,000, 4,000, 4,000, 3,000, 4,000 एंड सी डिवाइडेड बाय डी इज अवर आंसर माय फ्रेंड्स, दैट इज लेबर आवर रेट, लेबर आवर रेट, या उसी को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आर सी डिवाइडेड बाय डी, तो 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 4,000, टेल मी वेदर आंसर इज 75,000, सॉरी 75, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3,000, टेल मी इज इट 45 रुपीज पर आर, एंड 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इट 40 रुपीज पर आर, 75, 45 एंड 40, दिस इज द आंसर माय फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। अब देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है 8 मार्क के लिए वगैरह, अब बताओ इतना ही आंसर है इसका, आपको क्वेश्चन देख के लगा रहेगा कि बाप रे कितना लेंदी आने वाला है। अब आपको लग रहा है सर कल तो बहुत लेंदी क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने, क्योंकि कल दो चीजें थे, एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने किया था, ऊपर से रीअपॉर्चनमेंट दो मेथड से किया था, इसलिए तो मैंने बोला था ना आपको जानबूझ के मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में पहले हाथ डाल रहा हूं, समझा क्या? कल तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने किया था, यहाँ पे ओरेट्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो करके दिया था उन्होंने, डायरेक्ट टोटल किया था, तो कल हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद किया था, ऊपर से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ट्रायल एंड एरर मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड दोनों से किया था, क्योंकि कल के क्वेश्चन में रेसिप्रोकल सर्विसेज वेयर प्रोवाइडेड,
रेसिप्रोकल सर्विसेज वेयर प्रोवाइडेड माय फ्रेंड्स. तो 75, 45 एंड 40 इज द आंसर. 75, 45 एंड 40 इज द आंसर माय फ्रेंड्स. चलो यहां तक सबको समझा क्या, बता दो बच्चों प्लीज. यस, यहां तक क्लैरिटी है क्या सबको, बता दो बच्चों प्लीज. वेरी गुड. तो ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ बच्चों, हुआ या नहीं हुआ. चलो और एक ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉट ऑन रीअपॉर्शनमेंट, जो भी है हम लोग सॉल्व करेंगे. चलो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 25. मैं टाइप नहीं बताऊंगा आपको, बट रीअपॉर्शनमेंट है या अपॉर्शनमेंट है या क्या है वो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली. तो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 25 ऑन पेज 10. तो देखो बच्चों, ये कल का और आज का क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन है. समझ रहा है, सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन है. ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है बच्चों बहुत. तो प्लीज रीड नाउ प्रॉब्लम नंबर 25 ऑन पेज 10. प्रॉब्लम नंबर 25. चलो ये लिखा गया सब लोगों ने, ये जो ऊपर लिखा है मेरे पीछे, अगर कुछ गया है आपको दिखा नहीं रहेगा तो चेक करो मेरे भाई. यस, ये लिखा क्या, लेबर आर रेट और ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आर. चलो अभी प्रॉब्लम नंबर 25 ऑन पेज नंबर 10 आपको पढ़ना है बच्चों. प्रॉब्लम नंबर 25 ऑन पेज 10. यस बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 25 पेज 10. A company produces a single product in three sizes A, B and C. A, B and C. Prepare a statement showing selling and distribution expenses apportioned over these three sizes. तीन sizes पे हमें selling and distribution overheads apportion करना है. Applying the appropriate basis. Applying the appropriate basis. And appropriate basis क्या है, उन्होंने खुद दिया हुआ है हमें. For such apportionment. In each case from the particulars indicated, also express the total of the cost so apportioned to each size as cost per unit nearest paise and a percentage of sales turnover. Matlab selling and distribution overheads as a percentage of sales turnover aapko find karna hai and per unit bhi aapko find karna hai bachcho. Chalo fir, yes karna hai solve. एक्सपेंसेस बेसिस फॉर अपॉर्चुनमेंट दिया हुआ है आपको, साइज ए साइज बी साइज सी. यस बोलो क्या लिखो, हेडिंग बताओ अभी, हेडिंग क्या लिखो आप बताओ बच्चों. स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग फर्स्ट वर्किंग स्टेटमेंट शोइंग apportionment of selling and distribution overheads over three sizes पे आपको ये selling and distribution overheads अपॉर्शन करना है बच्चों ओवर थ्री साइजेस. तो राइट डाउन पर्टिकुलर्स बोलो आप ही आगे क्या लिखो पर्टिकुलर्स के बाद. पर्टिकुलर्स बोलो मेरे भाई. टोटल ओवरहेड्स देन बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट. बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट के बाद में साइजेस ए बी एंड सी और थ्री साइजेस वी नीड टू कैलकुलेट दिस माई फ्रेंड्स. साइज ए size B and size C. Statement showing apportionment of selling and distribution overheads
over three sizes. Selling and distribution overheads over three sizes. Particulars, total, basis for apportionment, साइज ए, साइज बी, साइज सी. लिखे क्या बच्चों यहां तक? लिखे क्या? अभी आप कुछ लोगों लगता होगा कि क्या बोल रहे सर, डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हो. मेरे भाई, दिस इज बूस्टर रिवीजन. करेक्ट है, तुम्हारा करियर डिपेंड करता है इस पे. मैं क्या आपको 15 मिनट मेरी कहानी बता के आपको इम्प्रेस भी कर दूंगा? इम्प्रेस नहीं करना है मुझे, एक्सप्रेस करना है. समझा या नहीं? एंड आपको भी एग्जाम में जाके एक्सप्रेस करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं चार गाने गाऊं, मैं कुछ तो जोक बताऊं, मैं कुछ तो शो ऑफ करूं, आपको लगेगा मैं, हाँ आपको लग रहा है सर आप रेगुलर बैच में करते हैं. रेगुलर बैच में भी 1-2% होता है नॉर्मल लॉस. आप समझ रहे हो क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने पॉइंट को स्टिक रहे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके एंड ये कोई थ्योरी पेपर भी नहीं है कि यहाँ पे यार सुन 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 के बोर होता है इसलिए थोड़ा बहुत ह्यूमर चाहिए बीच में. इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर माई फ्रेंड्स. यस और नो? इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर. इसमें अपने को नौटंकी करना ही नहीं है कुछ. यस भाई, मौसम लुंकड़ क्या कमेंट करके डिलीट कर रहे हो? बोलो बोलो भाई, यहां तक आ गए क्या आप? यहां तक लिखे क्या? रीअपॉर्शनमेंट करना है, क्या करना है यहाँ पे? अपॉर्शनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स करना है. चलो फिर राइट ऑन माय फ्रेंड्स. ओवर थ्री साइजेस, ओवर थ्री साइजेस आपको अपॉर्शन करना है ये. चलो बोलो फिर, अब एक एक करके ओवरहेड्स अपने को रीअपॉर्शन करना है बच्चों. बोलो क्या लिखो, आप ही बताओ. Yes. तो एक काम करते हैं, पहले ऐसे लिख देता हूं, सेल्स, सेल्स टर्नओवर दिया हुआ है क्या बच्चों? चलो लिख देता हूं, सेल्स टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर, ओके रुपीज में ये आपको दिया हुआ है. अभी तक हमने अपॉर्चुनमेंट चालू भी नहीं किया बच्चों. तो टेल मी, इज इट 58,000, 80,000, 62,000, टोटल 1 लाख, सॉरी 2 लैक्स, ये आपको दिया हुआ है. यहां पे मैं कुछ नहीं लिखता हूं, गिवन ऐसे लिख देता हूं. मैं खुद अपॉर्चुनमेंट नहीं कर रहा हूं, ये डेटा तो मैंने, मुझे दिया हुआ है. ओके बी, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिए हुए क्या बच्चों? यस, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टोटल 10,000 है. नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल 10,000, 3,000, 4,000, 3,000, 3,000, 4,000, 3,000. थ्री थाउजेंड, फोर थाउजेंड, थ्री थाउजेंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. यहां तक आ गए बच्चों? यस. चलो फिर बोलो, अभी बोलो क्या क्या करना है. अपॉर्शनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐसे लिख देता हूं मैं. अपॉर्शनमेंट ऑफ, अपॉर्शनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, अपॉर्शनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसमें 1, 2, 3, 4 करेंगे एंड फिर सब टोटल्स ही ऐसे कर देते हैं. अपॉर्शनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. चलो एक एक करके बता दो बच्चों. अपॉर्शनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, 1 क्या दिया बोलो? सेल्स सैलरीज, सेल्स सैलरीज कितना है बच्चों? सेल्स सैलरी 10,000. बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट उन्होंने दिया है डायरेक्ट चार्जेस, मतलब कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. नंबर ऑफ सेल्समैन पेड द सेम सैलरी, नंबर ऑफ सेल्समैन ही दिया हुआ है आपको, दैट इज 4:5:1. क्या रेशो है बोलो? नंबर ऑफ सेल्समैन, नंबर ऑफ सेल्समैन का रेशो हम यहां पे यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्समैन. यस बोलो बच्चों, 4:5:1, तो इज इट 4,000, 5,000, 1,000, 4,000, 5,000, 1,000. यस बच्चों, सेल्स सैलरी हो गए. नेक्स्ट, सेकेंड,
सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन बोलो बच्चों, सेल्स कमीशन कितना है? 6,000। ओके, व्हाट इज द बेसिस फॉर अपॉर्चनमेंट? बोलो, सेल्स टर्नओवर। बेसिस फॉर अपॉर्चनमेंट इज सेल्स टर्नओवर। तो बोलो टर्नओवर का रेशियो क्या है? इट इज 58:80:62। वैसे इसको 2 से डिवाइड करके और सिंपलीफाई कर सकते हैं, बट नहीं भी किया तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो 58 + 80 + 62 का टोटल 200 है। 6,000 डिवाइडेड बाय 200 जो भी आया, 30 × 58, इट इज 1740। 80 = 2400 एंड 62 = 1860। चलो बच्चों यहां तक करेक्ट है क्या बता दो। यस मौसम, मौसम भाई यहां तक करेक्ट है क्या बता दो। दीपाली, सोराली तुम भी बता दो यहां तक करेक्ट है क्या, एंड आप भी मेरे साथ हो क्या ये भी बता दो। आप भी मेरे साथ हो क्या ये बता दो भाई। सेल्स कमीशन हो गया उसके बाद में। बोलो 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 दीपाली, सोराली, मौसम, मैं, दर्शन, चेतन, मैं आंसर वेट कर, आंसर का वेट कर रहा हूं भाई। ओके यस सर। ओके, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस बोलो, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस है 2096, 2096 एंड वो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, रेशियो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्या रेशियो है? 7:8:1, 7:8:1। तो 7:8:1 के रेशियो में आप 2096 को डिवाइड कर दो, तो 7:8:1 टोटल आता है 16। 2096 डिवाइडेड बाय 16, 2096 डिवाइडेड बाय 16, 131 × 7, 917, 8, 1048 एंड 1, इट इज 131, 131। यस, ये हो गया सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस। देन जनरल एडवर्टीजमेंट, यस बच्चों जनरल एडवर्टीजमेंट, तो बोलो जनरल एडवर्टीजमेंट इज इट 5,000? जनरल एडवर्टीजमेंट इज इट 5,000? क्या रेशियो है बोलो बच्चों? सेल्स टर्नओवर का रेशियो, सेल्स टर्नओवर का रेशियो, जनरल एडवर्टीजमेंट सेल्स टर्नओवर का रेशियो है 58:80:62। तो 58 + 80 + 62 टोटल इज 200। तो 5,000 डिवाइड बाय 200 राइट × 58 इज इट 1450। 80 = 2,000, 62 = 1550, 1550। दिस इज जनरल एडवर्टीजमेंट माय फ्रेंड्स, दिस इज जनरल एडवर्टीजमेंट। ये हो गया जनरल एडवर्टीजमेंट। यस, उसके बाद क्या आने वाला है तुम ही बता दो, और क्या दिया है टेबल में बता दो। जनरल एडवर्टीजमेंट के बाद में, यस जनरल एडवर्टीजमेंट के बाद में फिफ्थ स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट। यस बोलो स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट। ओके, एंड बेसिस फॉर अपॉर्चुनमेंट भी दिया है बच्चों यहाँ पे, इट इज 22,000। और उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट चार्जेस, मतलब कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट का। क्या दिया है? परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है बच्चों। तो परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट, परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट 30 40 30, 30 40 30। थर्टी फोर्टी थर्टी, तो 22,000 का 30%, टेल मी इज इट 6,600, 8,800 एंड 6,600। यस, चलो भाई यहां तक करेक्ट है क्या बता दो, यहां तक करेक्ट है क्या? स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट हो गया है बच्चों, कोई डाउट है क्या यहां तक? एंड आपको समझा भी है क्या वो बता दो मेरे भाई। स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट, सिक्स्थ, सिक्स्थ बोलो पैकिंग, पैकिंग एक्सपेंडिचर है 3,000, पैकिंग एक्सपेंडिचर है 3,000। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ सीएफटी, क्यूबिक फीट होगा, ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड,
अपर टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इन सीएफटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। तो बोलो टोटल वॉल्यूम का क्या रेशियो है, तुम मुझे कमेंट में बता दो बच्चों। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फीट का क्या रेशियो है तुम बता दो मुझे प्लीज, मैं वेट करता हूं। यस, आप मुझे सिर्फ रेशियो बता दें, टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट का रेशियो। जैसे ऊपर डायरेक्ट चार्जेस परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट का रेशियो था 30:40:30, तो बोलो टोटल वॉल्यूम का क्या रेशियो है बता दो, बता दो। यस मधुमोहन रेड्डी बोलो भाई, टोटल एडवर्टीजमेंट सॉरी टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट का क्या रेशियो है। यस बच्चों बता दो, टोटल वॉल्यूम का क्या रेशियो है वो बता दो मुझे। अभी तक आंसर नहीं आ रहा है यार। ओके 35:64:17, चलो चेक करते हैं टोटल। अब आपको अगर लग रहा है कि 5:8:17 है तो गलत है, क्योंकि वो पर क्यूबिक फीट है, इट इज पर यूनिट, इट इज पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपको दिए हुए, ऊपर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिए हुए, तो ये आएगा 15,000, 3,000 × 5:4,000 × 8, दैट इज 32,000 × 3,000 × 17, दैट इज 51,000। That is, you can say it is 15:32:51, 15:32:51. Yes, Mosam, very good. 15 + 32 + 51 का टोटल आता है 98, तो 3000/98 जो भी आंसर आता है, 3000/98 जो भी आंसर आया into 15, tell me, is it approximately 459? Then 32. Tell me whether it is approximately 980 and 51, is it approximately 1561? 1561 करेक्ट है क्या बता दो बच्चों प्लीज, करेक्ट है क्या प्लीज बता दो। 35:64:17 Yes. कहां से ला रहे हो ये मुझे नहीं समझ रहा है। 35:64:17 ये कहां से ला रहे हो, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स। यस 15:32:51, 15,000 क्या मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे भाई, राइट right? देखो 3000 × 5 15,000, 4000 × 8 4000 × 8 32,000 एंड 3000 × 17 इज 51,000। यस करेक्ट है यहां तक, चलो पैकिंग हो गया। देन डिलीवरी एक्सपेंसेस 4000, डिलीवरी एक्सपेंसेस 4000 एंड इसका भी रेशियो वही है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट्स, तो रेशियो वही लेगा 15:32:51, 15:32:51, तो 15 + 32 + 51 ये टोटल 98 है, तो 4000/98, 4000/98 जो भी आया इनटू 15 = तो आंसर आ रहा है कुछ 612, 32 = आंसर आ रहा है कुछ 1306 एंड 51 = 2082, इसके आसपास कुछ आंसर है 2082। यस चेतन, चेतन बोला है कि सर वो गलती से नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई किया था। यस मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है क्या बता दो बेटा। चेतन डिलीवरी एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद में चेतन मैं तुम्हारा कमेंट का वेट कर रहा हूं बेटा, मैंने जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है क्या। वेयर हाउस एक्सपेंसेस 1000 एंड इसका भी रेशियो है टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट्स, टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट्स 15:32:51, तो 1000/98 जो भी आया इनटू 15 = ये आता है 153, 32 = ये आता है अप्रोक्सीमेटली 327,
and 51 is equal to approximately 520. These are the warehouse expenses, my friends. Warehouse expenses. Okay, good. यहां तक आ गए. और क्या है बच्चों? Credit collection expenses. Credit collection expenses. कितना है credit collection expenses? 1296. इसका रेशियो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. इसका रेशियो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. क्रेडिट कलेक्शन एक्सपेंसेस नंबर ऑफ ऑर्डर्स. तो बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्या रेशियो है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का रेशियो है 7:8:1. 7:8:1. तो करो फिर 1296 डिवाइडेड बाय 16, जो भी आया, इंटू 7 इट इज 567, इंटू 8 648, इंटू 1 इट इज 81. इट इज 81 माय फ्रेंड्स. ओके, एंड अगर यहां तक आपने लिख दिया है तो आई कैन डू सब टोटल सी, तो ये अपॉर्शनमेंट का टोटल आ जाएगा बच्चों. सब टोटल सी, एंड बताओ अभी अपॉर्शनमेंट का टोटल क्या आ रहा है, आप ही बता दो बच्चों. 10,000 प्लस 6,000 प्लस 2096 प्लस 5,000 प्लस 22,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 1,296. टेल मी इज इट 54,392? एटलीस्ट ये टोटल करेक्ट है क्या बताओ? 54,392. 54,392 ये करेक्ट है क्या बता दो बच्चों? देन 4,000 प्लस 1,740 प्लस 917 प्लस 1,450 प्लस 6,600 प्लस 459 प्लस 612 प्लस 153 प्लस 567, वेदर टोटल इज 16,498. 16,498, देन 5,000 प्लस 2,400 प्लस 1,048 प्लस 2,000 प्लस 8,800 प्लस 980 प्लस 1,306 प्लस 327 प्लस 648. टेल मी इज इट 22,509? 22,509. यस, मैं कमेंट में चेक कर रहा हूँ. 54,392 आया है, देन 16,498 आया है, 22,509 एक बार कंफर्म कर दो बच्चों. देन 1,000 प्लस 1,860 प्लस 131 प्लस 1,550 प्लस 6,600 प्लस 1,561 प्लस 2,082 प्लस 520 प्लस 81. टेल मी इज इट 15,385? यस, तो 15,385, 22,509 प्लस 16,498, तीनों का टोटल 54,392. यहां तक टैली हो रहा है बच्चों. यस, एंड अब बताओ उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ पूछा है क्या? यहां पे हमने रीअपॉर्शनमेंट नहीं, अपॉर्शनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो कंप्लीट कर दिया, और कुछ पूछा हो तो आप मुझे बता दो बच्चों. यस मेरे भाई, क्या पूछा उन्होंने? कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, पर यूनिट सोल्ड. तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अपने ऊपर लिखा हुआ था बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आई थिंक बी था. तो टेल मी वेदर सी डिवाइडेड बाय बी इज द आंसर. वेदर सी डिवाइडेड बाय बी इज द आंसर. तो टेल मी 16,498 डिवाइडेड बाय 16,498 डिवाइडेड बाय 3,000. टेल मी वेदर आंसर इज 5.4993. तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहां पे लिख देता हूं 5.50. 5.50 करेक्ट है क्या बता दो बच्चों प्लीज. देन 22,509 डिवाइडेड बाय 4,000 डिवाइड बाय 4,000 दिस कम्स टू 5.627. तो अप्रोक्सीमेटली 5.63 कर देता हूं. एंड 15,385 डिवाइडेड बाय 3,000. टेल मी इज इट 5.128? तो 5.13 कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली. यहां पे मैं लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली, ये जो भी आंसर्स है ये अप्रोक्सीमेटली है. डू यू एग्री? यस और नो? तो ये हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट. और आपको क्या पूछा है? और आपको पूछा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर. तो राइट डाउन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स
एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर। तो सेल्स टर्नओवर मैंने ऊपर लिखा था, वो था ए में, सेल्स टर्नओवर ए में लिखा था बच्चों। तो टेल मी कैन आई से आंसर फॉर दिस इज सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। कैन आई से आंसर ऑफ दिस इज सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, सी डिवाइड बाय ए इंटू 100। तो इट इज 16,498 डिवाइडेड बाय 58,000 इंटू 100। टेल मी इज इट अप्रॉक्सीमेटली 28.44%। देन 22509 डिवाइडेड बाय टर्नओवर कितना था, 80,000 इंटू 100। टेल मी इज इट अप्रॉक्सीमेटली 28.136, तो 14% अप्रॉक्सीमेटली। एंड लास्ट इज 15,385 डिवाइडेड बाय सेल्स टर्नओवर कितना था बच्चों, डिवाइडेड बाय 62,000 इंटू 100। टेल मी इज इट 24.8145%, तो 81% अप्रॉक्सीमेटली। चलो बच्चों ये करेक्ट है क्या मुझे प्लीज बता दो, प्लीज मैं वेट करता हूं 1 मिनट, ये सारे कैलकुलेशंस मैंने किए हुए करेक्ट है क्या आप बता दो बच्चों। एंड एक ही तरीका है ये बैच एंजॉय करने का, सॉल्व करना पड़ेगा आपको साथ में, है कि नहीं? आपको लग रहा है कि सर आप हमारा एंजॉयमेंट करो, मैं तो कर भी लूंगा भाई, एंड एंजॉयमेंट ही करना है। तो देखो ये लेक्चर आप यूट्यूब पे देख रहे हो शायद, कितना कंटेंट है यूट्यूब पे एंजॉयमेंट के लिए, है कि नहीं, है या नहीं है? बट वो हमारा प्रेफरेंस नहीं है, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे आके देखो ऐसे एक एजुकेशनल चैनल ओपन करके ये वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे क्या नहीं है, है या नहीं? चलो ये आंसर हमारा करेक्ट है क्या, दर्शन जोशी तो बोल रहा है करेक्ट है, बाकी लोग भी बता दो मेरे भाई, यहां तक ये सारे आंसर हमने जो लिखा है वो सब करेक्ट है क्या, वो सब करेक्ट है क्या बता दो बच्चों। अच्छा यहां पे ना बच्चों बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट आपको दिया था इसलिए बहुत आसान था, एंड अगर नहीं दिया रहता तो वी हैव टू चूज, बट अगर कभी कभी ऐसा रहा कि सर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट लेते वक्त ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, दोनों अप्रोप्रिएट लग रहे, तो यू हैव टू चूज वन एंड यू हैव टू राइट अ नोट अकॉर्डिंगली, यू हैव टू राइट अ नोट अकॉर्डिंगली, समझा बच्चों? यस, यहां तक क्लियर अगर है तो वी कैन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, अगर यहां तक क्लियर है तो वी कैन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय फ्रेंड्स, शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो चलो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 26 ऑन पेज 10, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 26 माय फ्रेंड्स ऑन पेज 10, प्रॉब्लम नंबर 26 पढ़ना है बच्चों ऑन पेज 10। यस प्रॉब्लम नंबर 26 पेज 10। यस बच्चों प्रॉब्लम नंबर 26 आपके सामने है ऑन पेज 10, तो प्लीज ओपन दैट प्रॉब्लम, रीड इट। चलो स्टार्ट करो बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 26 पेज 10 माय फ्रेंड्स। द मशीन शॉप ऑफ एन ऑटो इंजीनियरिंग फैक्ट्री हैज फाइव डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ मशीन्स, हैज फाइव डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ मशीन्स फॉर विच द रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस इज एट द रेट पर मशीन आर, इज एट द रेट पर मशीन आर, बजट फॉर द मशीन शॉप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 इज फ्रेम एज अंडर, बजट इज फ्रेम्ड एज अंडर पर्टिकुलर्स 1, 2, 3, 4, 5। क्या दिया आपको, कंज्यूमेबल स्टोर्स, मेंटेनेंस, हॉर्स पावर, स्पेस ऑक्यूपाइड, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स, एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स, कॉमन एक्सपेंसेस, तो ओवरहेड कॉस्ट आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट मशीन आवर रेट ओके फॉर ईच ग्रुप इंडिकेटिंग द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब दिस क्वेश्चन इज मेनली फॉर डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट बेस,
अगर हम डिसाइड कर सकते हैं अप्रोप्रिएट बेस तो बहुत अच्छा है, अगर हमें एक ही लगता है तो, एंड अगर हमें लगता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है तो वी हैव टू राइट अ नोट। कई बार तो हमें नोट के बिना हम कोई चॉइस नहीं रहता हमारे पास, जैसे हमने कल किया था मिसलेनियस ओवरहेड्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, अब बताओ बच्चों, अदर एक्सपेंसेस, वी हैव टू चूज दी राइट अप्रोप्रिएट बेस एज एन अजम्पशन। मिसलेनियस ओवरहेड्स, अब इसका क्या अप्रोप्रिएट बेस होता है मेरे भाई, वी हैव टू चूज यस और नो। तो चलो फिर क्या कैलकुलेट करना है बच्चों हमें यहाँ पे, मशीन आर रेट फॉर ईच ग्रुप, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट फॉर ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ मशीन्स। तो राइट डाउन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट फॉर ईच ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ मशीन्स, फॉर ईच ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ मशीन्स। तो ये 5 ग्रुप ऑफ मशीन्स के लिए राइट यू हैव टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट, यू हैव टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट माय फ्रेंड्स। तो राइट डाउन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स यस, उसके बाद क्या लिखो बोलो, लेट्स से टोटल ओवरहेड्स, देन बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट एंड ग्रुप ऑफ मशीन्स, ग्रुप ऑफ मशीन्स में 1 2 3 4 5, ग्रुप ऑफ मशीन्स में आपको लिखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ग्रुप ऑफ मशीन्स में 1 2 3 4 5। तो पर्टिकुलर्स, टोटल ओवरहेड्स, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट एंड नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मशीन्स, ग्रुप ऑफ मशीन्स। तो चलो अगर ये फॉर्मेट आपने बता दिया है बच्चों तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको सबको पता है कि ओवरहेड्स के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में सॉल्व होते हैं, इस टाइप के ऑब्वियसली, बाकी फिर अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन वो अलग रहता है या नहीं, बोलो मेरे भाई। पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, लेट्स से कैपिटल ए अलोकेशन, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे है जो डायरेक्टली हमें ग्रुप ऑफ मशीन्स वाइज ऑलरेडी पता है, वो क्या क्या है बताओ, कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना है, कंज्यूमेबल स्टोर्स इट इज 210, देन 420, 420, 700, 850 एंड 1260, एंड सेकेंड मेंटेनेंस, ये भी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ऑलरेडी ग्रुप ऑफ मशीन वाइज पता है, इट इज 630, 840, देन 1500, 2000 एंड 1800, 2000 एंड 1800। ओके इसका टोटल भी कर दो बच्चों, 210 प्लस 420 प्लस 700 प्लस 850 प्लस 1260, वेदर दिस टोटल इज 3440, एंड देन 630 प्लस 840 प्लस 1500 प्लस 2000 प्लस 1800, टेल मी इज इट 6770। यहां पे तो मैं गिवन ऐसे लिख देता हूं, हमने कोई बेस यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, गेटिंग दिस, एंड चलो तुम चाहो तो इसका टोटल भी कर सकते हो, सब टोटल कैपिटल ए, सब टोटल कैपिटल ए माय फ्रेंड्स। तो बोलो कैपिटल ए का टोटल कितना है, 210 प्लस 630, 840, देन इट इज 1260, 2200,
2850, then 1260 plus 1800, tell me, is it 3060? 3060, ये हो गया अलोकेशन बच्चों, क्या हो गया अलोकेशन। चलो आगे बताओ भाई, अलोकेशन के बाद में हम करेंगे अपोर्शनमेंट, हम करेंगे अपोर्शनमेंट, अलोकेशन के बाद अपोर्शनमेंट। अब बोलो अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे यहां पे? यस, अलोकेशन के बाद अपोर्शनमेंट, बोलो बच्चों एक मिनट, एंड मुझे कमेंट में बता दो यहां तक सबको समझाया क्या बच्चों। यस चेतन, सोराली, यस आसिफ, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है, वेरी गुड। अलोकेशन के बाद में अभी अपोर्शनमेंट, चलो बोलो अपोर्शनमेंट में एक एक करके बताओ कॉमन एक्सपेंसेस कौन से एंड उसका अप्रोप्रिएट बेस बताओ बच्चों। पावर, आप बताओ अप्रोप्रिएट बेस पावर का, पावर का तुम्हें क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में बताओगे बच्चों, मैं करूंगा तो क्या मतलब ही नहीं रहा इस चैप्टर में। पावर का अप्रोप्रिएट बेस, मेरे ख्याल से पावर कॉस्ट है यहाँ पे 9000 एंड अप्रोप्रिएट बेस होगा, यस बोलो अप्रोप्रिएट बेस होगा हॉर्स पावर आर्स, हॉर्स पावर बोलो बच्चों आर्स, एचपी आर्स, ये अप्रोप्रिएट बेस होगा जिसका रेशियो है 5:15:20:25:35। यस, तो 5 + 15 + 20 + 25 + 35 का टोटल 100 आ रहा है, तो 9000 / 100 ये आता है, 9000 / 100 ये आता है 90, तो 90 × 5 = 450, 15 1350, 20 1800, 25 2250, 35 3150। यस बच्चों पावर एक्सपेंडिचर, ये हो गया उसका अपोर्शनमेंट, पावर एक्सपेंडिचर का अपोर्शनमेंट। चलो करो करो तुम, डोंट वेट फॉर मी माय फ्रेंड्स नाउ। यस बोलो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 25,000। आप बताओ जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे बताओ आपको क्या लगता है, व्हाट्स अप्रोप्रिएट बेस, मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस बताओ बच्चों, मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस, यस रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस मुझे लगता है कि वो होगा स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड। आपको लग रहा है कि बट सर ये टैक्सेस वगैरह कैसे, अरे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस तो ये प्रॉपर्टी टैक्सेस रहेंगे, तो जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है उसको ज्यादा होना चाहिए वो, करेक्ट है कि नहीं? तो उसका रेशियो है, ओके उसका रेशियो 2:4:6:3:5, तो इसका टोटल आता है 12 + 8 = 20, तो 25,000 / 20 1250 × 2 2500, 4 5,000 6 7,500 3 3750 5 6250 6250 on the way of space occupied। yes बच्चों, करेक्ट है, तुम सब लोगों ने स्पेस ऑक्यूपाइड लिखा है, वेरी गुड बच्चों, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। एंड अभी हर एडजस्टमेंट में आप प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करो हर एडजस्टमेंट में, ओके हीट एंड लाइट, आप बताओ मुझे हीट एंड लाइट क्या लगता है अप्रोप्रिएट बेस, हीट एंड लाइट 5,500 इज नॉट पावर माय फ्रेंड्स, हीट एंड लाइट, हीटिंग लाइटिंग, तो लाइट्स ज्यादा उसी एरिया में रहेंगे जिसका, लाइट्स उसी डिपार्टमेंट में ज्यादा रहेंगे इसका एरिया ऑक्यूपाइड ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से यहां पे भी स्पेस ऑक्यूपाइड छोड़ के उससे बेटर बेस मुझे यहां पे और कुछ नहीं दिख रहा है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड, यस वेरी गुड स्पेस ऑक्यूपाइड। तो इसका टोटल भी था 20, तो 5,500 / 20 into 2, tell me is it 550, 4 4 1100, 6 1650, 3 825, 5 1375,
1375। यस, अब एक दो लोगों ने बोला कि सर एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स ले लो, तो मेरे ख्याल से हीट एंड लाइट एंड आवर्स का कोई संबंध नहीं बेटा। आवर्स मतलब कितने टाइम तक तो वो मशीन चल रहा है, वो तो पावर पे चल रहा है, लाइटिंग, समझ रहा है ना, एरिया पे डिपेंडेंट होगा मेनली, राइट। आपको लगता है नहीं सर एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स ज्यादा बेटर लगता है, 100% मैं आपको गलत तो साबित नहीं कर सकता, ओके, बट बेटर टू गो विद दिस। बट स्टिल अगर आप एजम्पशन लिख रहे हो तो यू शुड गेट द मार्क्स, अगर आप एजम्पशन लिख रहे हो तो। हीट एंड लाइट, नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो बोलो बच्चों इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग का यस कितना है एक्सपेंडिचर, 2400। एंड आप मुझे बताओ, सॉरी, तुम्हारे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस क्या है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो मेरे ख्याल से बिल्डिंग का इंश्योरेंस है ये। तो सीधी सी बात है, जिस ग्रुप ऑफ मशीन ने ज्यादा एरिया लगाया उसी को बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस ज्यादा दे दो, तो इट इज 2465, क्योंकि बिल्डिंग का इंश्योरेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्पेस एरिया, करेक्ट है। तो 2400 डिवाइडेड बाई 20 20 जो भी आता है, 3 × 3 360, इंटू 4 480, इंटू 6 720, इंटू 3 360, इंटू 5 दिस इज 600 माय फ्रेंड्स। यस, ये हो गया इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ये हो गया इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। चलो बोलो इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग के बाद में नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग, बोलो। फिफ्थ, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, तो बोलो बच्चों डेप्रीसिएशन इज 37,500। तो तुम्हें क्या लगता है अप्रोप्रिएट वेज तुम्हें बता दो, डेप्रीसिएशन, यस डेप्रीसिएशन, बोलो बच्चों क्या लगता है आप मुझे कमेंट में बता दो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। डेप्रीसिएशन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस क्या लगता है, डेप्रीसिएशन के लिए मेरे भाई, अच्छा दिस इज 240 क्या, अच्छा दिस इज 240, दिस इज 240, 240 प्लस 480 प्लस 720 प्लस 360 प्लस 600, यस टोटल मैच हो रहा है अभी। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपने मुझे बोला बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, बट आप बताओ बच्चों यहां पे आपने भी एक एजम्पशन किया है, उन्होंने कब दिया कि डेप्रिसिएशन मशीन का ही है सर, नो, तो हम वो भी नोट लिख देंगे रिस्क नहीं लेते हुए। तो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी का रेशियो, चलो 30,000, 90,000, 25,000, टोटल म्यूजिक 30,000 इज टू 90,000 इज टू 25,000 इज टू 60,000 इज टू 45,000, और 5 से डिवाइड करके और सिंपलीफाई कर सकते हैं, तुम चाहो तो कर सकते हो। तो इसका टोटल 250 आ रहा है, तो 37,500 डिवाइड बाय 250 जो भी आया 150 इंटू 30, टेल मी इज इट 4,500, 90 इज इट 13,500, 25 इज इट 3,750, 60 इज इट 9,000 एंड 45 टेल मी इज इट 6,750, इज इट 6,750, यस डेप्रिसिएशन हो गया। चलो और क्या बचा है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, ओके, सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ता है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी आप लोगों ने इसे पहले दिया था, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, बोलो बच्चों इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी तुम्हारे हिसाब से किस रेशियो में अपॉर्शन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका भी रेशियो होना चाहिए बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी जिसका रेशियो है 30:90:25 इज टू 60:45। सीधी सी बात है, जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा रहेगा, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, तो 30 प्लस 90 प्लस
प्लस 25 प्लस 60 प्लस 45, ये टोटल 250 था, तो 7500 डिवाइड बाय 250, 30 आया, इनटू 30 900, 90 इज इक्वल टू 2700, 25 इज इक्वल टू 750, 60 इज इक्वल टू 1800, 45 इज इक्वल टू इज 1350, 1350। चलो बच्चों, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लैरिटी है क्या? बता दो बच्चों। यस, और क्या लेना बाकी है वो भी बता दो एक एक करके। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, यहां तक हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट सेवंथ बोलो मेरे भाई, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, देन डेप्रिसिएशन हो गया, अब बोलो शॉप सुपरविजन। शॉप सुपरविजन एक्सपेंडिचर है 30,400, 30,400। अब तुम ही बता दो मुझे, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट बेस, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट बेस, प्लीज कमेंट में बता दो मेरे भाई। शॉप सुपरविजन 30,400 है, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट बेस? गेस, सुपरविजन, ये जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे बताओ। यस, सुपरविजन, शॉप सुपरविजन, बोलो 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 बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय फ्रेंड्स। गलत तो गलत, बट आप लिखो कमेंट में। जो लोग बाद में ये डाउनलोड करके देखने वाले, तुमने भी लिखने का कहीं पे, तो चेतन बोल रहा है एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स। चेतन, मुझे सुपरविजन का और एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स का थोड़ा कम रेलेवेंस लगता है। यस, शॉप सुपरविजन, यस 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 बच्चों, शॉप सुपरविजन। तो मेरे ख्याल से मोर अप्रोप्रिएट इज अगेन स्पेस ऑक्यूपाइड। जिसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको सुपरविजन के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा आर्स लगेंगे, ऐसे ही मानेंगे हम लोग। फिर भी आप लोग कहते नहीं सर, मुझे एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आर्स ही लेना है, आप ले लो, उसका अकॉर्डिंगली नोट लिख देना। आप लोग कह रहे सर स्पेस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, स्पेस ऑक्यूपाइड लिया है, स्पेस ऑक्यूपाइड क्या हुआ है, तो दिस इज अ सेफ आंसर। तो 2:4:6:3:5, तो दिस टोटल इज 20,000, दिस टोटल इज 20, तो 30,400 डिवाइड बाय 20 जो भी आया, 2 इज इक्वल टू, सो दिस इज 3040, 4 इक्वल टू 6080, 6 इक्वल टू 9120, 3 इक्वल टू 4560, 5 इक्वल टू 7600, 7600, 3040, 6080, 9120, 4560, 7600, ये है शॉप सुपरविजन, शॉप सुपरविजन। देन अदर जनरल एक्सपेंसेस, अदर जनरल एक्सपेंसेस 60,800, अदर जनरल एक्सपेंसेस। अब बताओ इस पे तो प्योर अजम्पशन है बच्चों, प्योरली अजम्पशन बेस्ड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्यों? यस, चेतन बोल रहा है सर मशीन जितनी देर ज्यादा चला उतना सुपरविजन। यस बेटा चेतन, मैं क्या बोल रहा था, 100% तुम जो बोल रहे हो मैं डिसएग्री नहीं करवा सकता, आप समझ रहे हो क्या? बट आई एम स्टिल गोइंग विद द आईसीआई ओपिनियन। ओके, तुम बोलोगे नहीं सर मैं अजम्पशन लिख दूंगा, लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यू विल गेट 100% मार्क्स फॉर दैट। चलो तो इसको बेस लेंगे एस्टीमेटेड, अभी बहुत देर से आप बोल रहे हो एस्टीमेटेड यूटिलाइजेशन, तो वो ले लेते हैं एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स। ओके, एंड वी हैव टू राइट अ नोट अल्सो। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, 5000, 10000, 3000, 7500, 12500, तो टेल मी शैल आई टेक दिस रेशियो एज 50:100:30:75:125। ओके, तो 50 प्लस 100 प्लस 30
प्लस 75 प्लस 125, 380 टोटल आ रहा है। तो 60,800 डिवाइड बाय 380 जो भी आया 160 आ रहा है, इंटू 50 8,000, ओके इंटू 100 16,000, 30 4,875 12,000 एंड 125 20,000, 20,000 माय फ्रेंड्स, यस। एंड अगर यहां तक आपने लिखा है बच्चों, तो यहां पे मैं अभी लिख देता हूं सब टोटल कैपिटल बी, सब टोटल कैपिटल बी, बोलो फिर अभी कैपिटल बी ये टोटल करके बता दो बच्चों प्लीज। 9,000 प्लस 25,000 प्लस 5,500 प्लस 2,400 प्लस 37,500 प्लस 7,500 प्लस 30,400 प्लस 60,800, टेल मी इज इट 178,100, 178,100। एंड चलो करो अभी ग्रुप ऑफ मशीन्स वाइज टोटल बता दो बच्चों एक एक करके। 450 प्लस 2,500 प्लस 550 प्लस 240 प्लस 4,500 प्लस 900 प्लस 3,040 प्लस 8,000, टेल मी इज इट 20,180। चलो आप मुझे कमेंट में आंसर बता दो बच्चों फटाफट। 1,350 प्लस 5,000 प्लस 1,100 प्लस 480 प्लस 13,500 प्लस 2,700 प्लस 6,080 प्लस 16,000, टेल मी इज इट 46,210, इज इट 46,210। देन 1,800 प्लस 7,500 प्लस 1,650 प्लस 720 प्लस 3,750 प्लस 750 प्लस 9,120 प्लस 4,800 इज इट 30,090, 30,090 माय फ्रेंड्स। एंड देन 2,250 प्लस 3,750 प्लस 825 प्लस 360 प्लस 9,000 प्लस 1,800 प्लस 4,560 प्लस 12,000, टेल मी इज इट 34,545। नेक्स्ट 3,150 प्लस 6,250 प्लस 1,375 प्लस 600 प्लस 6,750 प्लस 1,350 प्लस 7,600 प्लस 20,000, टेल मी इज इट 47,075, यस। तो 20,180 प्लस 46,210, 30,090 प्लस 34,545 प्लस 47,075 का टोटल 178,100। मेरा टोटल तो मैच हो रहा है यहाँ पे, आप प्लीज चेक करके बता दो बच्चों कि मैंने जो भी लिखा है ये करेक्ट है क्या। सी उसके बाद करेंगे टोटल ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी ए प्लस बी। टोटल ओवरहेड्स ए प्लस बी, टोटल ओवरहेड्स ए प्लस बी, बोलो मेरे भाई ए एंड बी जो भी दिया है उसका टोटल बता दो आप। इट इज 6,770 प्लस 178,100, टेल मी इज इट 1,84,870, 1,84,870। डिपार्टमेंट वाइज टोटल बता दो बच्चों प्लीज। 20,180, 20,180 प्लस 840 इज इट 21,020, 21,020। देन 46,210 प्लस 1,260 इज इट 47,47,470। देन 3,090 प्लस 2,200 इज इट 32,290, 32,290। देन 34,545 प्लस 2,850, टेल मी इज इट 37,395, 37,395। देन 47,075 प्लस
47075 plus 3060, tell me, is it 50135? 50135 plus 37395 plus 32290 plus 47470 plus 21020, टोटल 188। कहीं तो टोटल गलत है क्या, चेक करो बच्चों। 21020 47470 32290 37395 50135 21020 47470 प्लस 32290 प्लस 37395 प्लस 50135। थ्री फोर फोर जीरो प्लस 6770, इसका टोटल था 10,210। एंड 10,210 प्लस 10,210 प्लस 178,100, दिस इज 188,310। 188,310, तो मेरे ख्याल से अपना टोटल सब करेक्ट है अभी। 188,310, यस बच्चों, यहां तक समझा के बता दो बस। एंड मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाय मशीन आर्स कर दो, तुम्हारा काम खत्म। यस और नो, डिवाइडेड बाय, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो, एस्टीमेटेड यूटिलाइजेशन आर्स, एस्टीमेटेड यूटिलाइजेशन आर्स, बोलो कितना है। इट इज 5,000, 10,000, 3,000, 7,500 and 12,500. And C divided by D is our final answer. Machine hour rate. Machine hour rate. C divided by D. C divided by D is the answer. Machine hour rate. C divided by D. So 21020 divided by 5000. Tell me, is it 4.204? Then 47470 divided by 10,000. Is it 4.747? Then 32290 divided by 3000. Is it 10.7633? Then 37395 divided by 7500, whether answer is 4.986, and 50135 divided by 12,500, answer is 4.0108. चलो, ये मशीन आवर रेट है क्या, बता दो बच्चों। यस, ये सबको समझा क्या, बता दो बच्चों प्लीज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन नाउ। यस माय फ्रेंड्स, ये टोटल ये सब बराबर आया क्या, आप बता दो। फाइनली मशीन आवर रेट तक का कैलकुलेशन आप मुझे बता दो, यहां तक करेक्ट है क्या। फाइनली मशीन आवर रेट तक का कैलकुलेशन, यस ठीक है, ये डेकोरेशन छोड़ दो, ये कैलकुलेशन नंबर्स करेक्ट है क्या, बता दो बच्चों प्लीज। है क्या नंबर्स करेक्ट है क्या बच्चों, बोलो मेरे भाई, करेक्ट है क्या। यस, एंड यहां पे काम करते हैं, ऐसे कुछ एजम्पशंस लिखते हैं, या आप नोट्स एंड एजम्पशंस ऐसे लिख सकते हो,
तो क्या क्या एजम्पशंस लिखना था बताओ। सबसे पहला, इन द अब्सेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, हाँ बोलो, हमने क्या क्या स्पेस ऑक्यूपाइड के बेसिस पे किया था वो बताओ मुझे। रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड बोलो, हीट कॉमा लाइट, हीट लाइट कॉमा एंड, हाँ बोलो, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग कॉमा, बोलो, शॉप सुपरविजन, शॉप सुपरविजन एक्सपेंसेस आर अपॉर्शनड इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, इन द रेशो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, यस, इन द रेशो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, ओके। और क्या एजम्पशन करना है, ओके, डेप्रिसिएशन गिवन, डेप्रिसिएशन गिवन इज एज्यूम्ड टू बी ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन मशीनरी का है ऐसे हमने अज्यूम किया है, हेंस अपॉर्शनड, हेंस अपॉर्शनड इन द रेशो ऑफ, हेंस अपॉर्शनड इन द रेशो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, हेंस अपॉर्शनड इन द रेशो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, हेंस अपॉर्शनड इन द रेशो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, ओके। और क्या एजम्पशन लिखना है नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अदर जनरल एक्सपेंसेस, अदर जनरल एक्सपेंसेस आर अपॉर्शनड, आर अपॉर्शनड इन द रेशो ऑफ अदर जनरल एक्सपेंसेस, आर अपॉर्शनड इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आर्स, एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आर्स, यस, दीज आर दी एजम्पशंस माय फ्रेंड्स। ये एजम्पशन के साथ ही हम क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा, ये एजम्पशंस अगर आपके मेरे से कुछ डिफरेंट है तो हो सकता है कि आपका मशीन आर रेट जो कैलकुलेट किया है वो भी डिफरेंट है। एजम्पशन चेंज किया तो ऑब्वियसली अपॉर्शनमेंट चेंज होगा, नंबर्स अलग आएंगे, मशीन आर रेट भी अलग आ सकता है। Yes, बच्चों, मैंने बोला था आपको कि मैं डायरेक्टली जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी में हाथ डालूंगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 26 इज ओवर माय फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस। प्रॉब्लम नंबर 26 समझा है क्या सबको? यस, समझा है क्या बच्चों? आप बताओ, ये अपॉर्शनमेंट री अपॉर्शनमेंट में थोड़ा बहुत कंफर्ट है प्लीज बता दो बच्चों मुझे कमेंट में, प्लीज बता दो। एंड जो लोग और डाउनलोड करके बाद में देखने वाले तुम भी बता दो, मुंह खोलो और बता दो, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, कुछ फायदा है या नहीं है। यस, अगर आपको लगता है कि इसका कोई फायदा है, ओके, तो वीडियो को लाइक करो, करो लाइक, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यस, वीडियो को लाइक कर लो अगर आपको लगता है कि है कुछ फायदेमंद।
जरूरी नहीं है, आपको लागर लगता है कि आपको कुछ फायदेमंद है तो ही कर लेना मेरे भाई, है कि नहीं? बड़ा अजीब लगता है ऐसे वीडियो लाइक करो बोलना, बट फिर भी अगर आपको लगता है क्यों, क्योंकि मुझे भी तो समझना चाहिए ना कि जो भी ये चल रहा है शो, ये कोई लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, मुझे भी समझना चाहिए ना, है कि नहीं बच्चों? चलो बच्चों, अगर यहां तक हुआ है तो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 28, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 28 ऑन पेज 11। पेज 11 पे आपको ये प्रॉब्लम पढ़ना है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 28 ऑन पेज 11। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन नाउ। प्रॉब्लम नंबर 28 पढ़ना है बच्चों ऑन पेज 11। यस, इसके आगे के लेक्चर्स कैसे मिलेंगे? तो इसके आगे के लेक्चर्स, ओके, यू कैन बाय माय फ्रेंड्स, ओके, फ्रॉम दोनों परसेप्ट के वेबसाइट से, वीस्मार्ट की वेबसाइट से यू कैन बाय, ओके। आपको इसका लिंक मिलेगा, अगर आपको इमीडिएटली हर रोज एक लेक्चर देखना है तो गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, लिंक में से हर रोज एक लेक्चर डाउनलोड करो एंड यू कैन वॉच दैट लेक्चर माय फ्रेंड्स, या एक दो दिन का ब्रेक ले लो उसके बाद में स्टार्ट वॉचिंग इट, क्योंकि बीच में संडे वगैरह आ गया तो हो सकता है कि लेक्चर अपलोड नहीं होगा उस दिन पे, तो अगले 15 to 20 days में ये बैच फिनिश हो जाएगा, करेक्ट है? एक एक लेक्चर आप हर रोज देखो तो बिफोर एग्जाम, इनफैक्ट राइट कंफर्टेबली एटलीस्ट 1 month बिफोर द एग्जाम आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? यस, चलो फिर प्रॉब्लम नंबर 28 पढ़ लेना बच्चों। इन द करंट क्वार्टर कंपनी हैज अंडरटेकन टू जॉब्स, कंपनी हैज अंडरटेकन टू जॉब्स, डेटा रिलेटिंग टू दी जॉब्स आर, तो दो जॉब कंपनी ने लिए, जॉब 1102 एंड जॉब 1108, ओके, 1102 1108, उसका सेलिंग प्राइस दिया है जॉब का, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिए, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इसको अंडरलाइन करो, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कंपनी हैज रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिमिलर जॉब, एस्टिमेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज 64,000 एंड 50,000, प्रॉफिट ऑफ 20% सेल ऑन सेल्स इज रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, क्या क्वेश्चन है बच्चों? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स टू बी चार्ज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर। तो अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो ही हम सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, तो जो न्यू ऑर्डर है उसका 2 मिनट के लिए डेटा भूल जाओ, पहला क्वेश्चन के बारे में सोचो, रेट ऑफ रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे रिकवर करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, कहां दिया है? क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, बट क्या परसेंट वही पता नहीं है, तो कैसे सॉल्व करे बच्चों, आप ही बोलो मुझे। यस, मैं 1 मिनट वेट करता हूं, एक्चुअल 1 मिनट वेट करता हूं, प्लीज क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, प्लीज क्वेश्चन पढ़ो, आई एम एक्चुअली गोइंग टू वेट फॉर 1 मिनट, प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी हाउ टू सॉल्व माय फ्रेंड्स।
यस बच्चों, हो गया क्या? कंप्लीट? कंप्लीट नहीं, बट एटलीस्ट क्या करना है ये डिसाइड हुआ के बता दो मुझे प्लीज। प्रॉब्लम तो कंप्लीट नहीं हुआ इतने कम समय में, बट एटलीस्ट क्या डिसाइड करना है, क्या करना है हमें, वो डिसाइड हुआ क्या प्लीज बता दो। यस, क्या करना है बोलो। रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स टू बी चार्ज्ड। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऐसे बोला है उन्होंने, तो ऐसे लिख देते, लेट फैक्ट्री ओवरहेड्स बी एक्स परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। लेट फैक्ट्री ओवरहेड्स बी एक्स परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यस बेटा दर्शन, करेक्ट है। एंड 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 बोलो, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बी वाई परसेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। वाई परसेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट का परसेंटेज है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? तो हम एक काम करेंगे अभी, ओके? हमें ये दोनों जॉब का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो राइट डाउन, हम ऐसे करेंगे, ये डेटा को हम लोग अभी एनालाइज करते, पर्टिकुलर्स, ओके? हेडिंग की जरूरत नहीं है। जॉब 1102 एंड जॉब 1108, ये दोनों कॉलम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बड़े रखो विड्थ में, क्योंकि हमें एक्स वाई सब इक्वेशन भी बनाना रहेगा शायद उसके अंदर। पर्टिकुलर्स, जॉब 1102 एंड जॉब 1108, जॉब 1102 एंड जॉब 1108। यस, इसको आप लोग नहीं, हेडिंग लिखना ही है मुझे, तो ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ टू जॉब्स ऐसे लिख देना। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ टू जॉब्स, ये दोनों जॉब का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हम बना रहे हैं यहां पे अभी। तो चलो, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऐसा हेडिंग दे दिया। पर्टिकुलर्स, जॉब 1102 एंड जॉब 1108, ठीक है बच्चों? क्या दिया है आपको बता दो बच्चों, क्या दिया हुआ है? जॉब का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको, जॉब का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ऑब्वियसली सब ये डेटा रुपीज में है। 1,07,325 एंड 1,57,920, 1,57,920, ये है सेलिंग प्राइस। देन प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट कितना है? 8%, 12%। मतलब अगर 100 रुपीज कॉस्ट है तो 8 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस 108 रहेगा बच्चों। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ द जॉब, कॉस्ट ऑफ द जॉब यहां पे कैसे रहेगा? तो आप मुझे बताओ, 1,07,325 ये सेलिंग प्राइस है, तो ऑब्वियसली दिस इज 108, क्योंकि अगर कॉस्ट 100 है एंड 8% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, सो दैट इज 108 इंटू 100, करेक्ट है? दैट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ द जॉब एंड दिस इज 1,57,920 इज 112, तो 100 कितना इज द कॉस्ट? यस, समझा क्या बता दो बच्चों? 1,07,325 डिवाइडेड बाय 108 इनटू 100, वेदर आंसर इज 99,375, इज इट 99,375? एंड 1,57,920 डिवाइड बाय 112 इनटू 100, इज इट 1,41,000? इज इट 1,41,000? चलो बच्चों, यहां तक सब समझा क्या सबको? आप मुझे प्लीज प्लीज कमेंट में बता दो, यहां तक क्लियर है क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब यहां तक समझा है क्या? अब बता बच्चों डी। अब हम क्या करेंगे, ये तो कॉस्ट हमें मिल गया, अब उन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, उसके हिसाब से कॉस्ट एक बार वापस फाइंड करते फिर। यस, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है बता दो आप ही मुझे। डायरेक्ट मटेरियल्स बोलो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ऑब्वियसली ये सब डेटा रुपीज में है बच्चों, मैं लिखू ना लिखू आपको लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है बच्चों? इट इज 37,500
एंड 54,000, 37,500 एंड 54,000 डायरेक्ट मटेरियल. देन ई डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस इन रुपीज, डायरेक्ट वेजेस बच्चों कितना है बोलो, इट इज 30,000 एंड 42,000, 30,000 एंड 42,000 डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस. अच्छा इन दोनों का टोटल को हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट, चाहो तो लिख सकते हो प्राइम कॉस्ट, डी प्लस ई. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 67,500 एंड दिस इज 96,000 इज द प्राइम कॉस्ट, यस और नो? यहां तक क्लैरिटी है बच्चों? एंड अब बताओ, प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, बट फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, एक्स परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस ऊपर लिखा है हमने. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट ई इनटू एक्स बाय 100, डायरेक्ट वेजेस का एक्स परसेंट, एक्स परसेंट मतलब एक्स बाय 100. तो टेल मी, इज इट 30,000 इनटू एक्स बाय 100, टेल मी इज इट 300x एंड दिस इज 420x, 300x एंड 420x, वेदर दीज आर फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेदर दीज आर फैक्ट्री ओवरहेड्स, 300x एंड 420x फैक्ट्री ओवरहेड्स माय फ्रेंड्स. अब बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट. टेल मी, इज इट एफ प्लस जी इज अ फैक्ट्री कॉस्ट? टेल मी, इज इट 67,500 प्लस 300x एंड दिस इज 96,000 प्लस 420x, 96,000 प्लस 420x. ये समझा के बता दो बच्चों प्लीज. अब आपको ऐड करना है सर, ये टोटल कॉस्ट थोड़ी है, ये तो फैक्ट्री कॉस्ट है. अब हमें ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं बच्चों, आप ही बताओ. वो है y परसेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. तो कैन आई से इट इज h इनटू y बाय 100, h इनटू y बाय 100, h मतलब फैक्ट्री कॉस्ट है, इनटू y बाय 100. तो टेल मी, इज इट y बाय 100 इनटू 67,500 प्लस 300x एंड दिस इज आल्सो y बाय 100 इनटू 96,000 प्लस 420x. सही है बच्चों? तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 675y प्लस 3xy एंड टेल मी, इज इट 960y प्लस 4.20xy. कुछ नहीं, मैंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है बच्चों सिर्फ. तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स एंड ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड कर दो बच्चों, आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा एच प्लस आई, टोटल कॉस्ट एच प्लस आई. तो टेल मी वेदर टोटल कॉस्ट इज 67,500 प्लस 300x प्लस 675y प्लस 3xy एंड यहां पे भी आप एच प्लस आई करोगे तो इट इज 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 4.20xy प्लस 4.20xy. चलो बच्चों, यहां तक सबको समझा क्या बता दो, यहां तक सबको समझा क्या बता दो. एंड अब बताओ, इसमें मैं अब सेकंड वर्किंग बनाता हूं, क्या बनाना चाहिए आप बता दो मुझे. यस, कैन आई से फ्रॉम अबाउट टेबल, फ्रॉम अबाउट टेबल, इफ वी इक्वेट ओके, इफ वी इक्वेट, क्या इक्वेट कर रहे हैं हम लोग बताओ. इफ वी इक्वेट, इफ वी इक्वेट, हाँ बोलो, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब है सी एंड जे, वी गेट फॉलोइंग इक्वेशंस, वी गेट फॉलोइंग इक्वेशंस. हम सी एंड जे को इक्वेट कर सकते हैं. तो आप बोलो बच्चों, इज इट 67,500 प्लस 300x प्लस 675y प्लस 3xy इज इक्वल टू
99,375 इज इक्वल टू 99,375। देयर फोर उसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 300x प्लस 675y प्लस 3xy इज इक्वल टू 99,375 माइनस 67,500 इज इट 31,875। एंड चलो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन वन। दिस इज इक्वेशन वन माई फ्रेंड्स, दिस इज इक्वेशन वन। एंड आप बताओ, वैसे ही सेकंड इक्वेशन ऐसे बन सकता है क्या, आप ही बता दो मुझे। इज इट 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 4.20xy इज इक्वल टू 141,000 इज इक्वल टू 141,000। देयर फोर इक्वेशन ये सही है क्या बताओ, 420x प्लस 960y प्लस 4.20xy इज इक्वल टू 141,000 माइनस 96,000 इज इट इक्वल टू 45,000। दिस इज इक्वेशन टू। चलो बच्चों, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू तक क्लियर है क्या, आप मुझे प्लीज बता दो। इक्वेशन वन एंड टू तक अगर आपको समझा है तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन बन गया बच्चों, यस और नो, जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है कि नहीं, मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है ना सबका, है या नहीं है? यस, तो ये इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू तक आ गए कि आप मुझे प्लीज बता दो बच्चों, प्लीज इक्वेशन वन टू तक क्लियर है क्या? यस चेतन तुम बता दो भाई, इक्वेशन वन टू तक क्लैरिटी है क्या? यस वेरी गुड। तो अब इसको लेट अस सॉल्व इक्वेशंस वन एंड टू साइमल्टेनियसली। बोलो आप कैसे सॉल्व करें, क्या करें? पहले वो एक्स वाई वाला टर्म उड़ाना पड़ेगा आपको। तो काम करेंगे इक्वेशन वन को ना बच्चों, हम 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 3 इंटू 1.4 4.2 हो जाएगा, उसके साथ कैंसिल हो गया। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय 4.20 ऑन बोथ साइड्स एंड सॉल्व इट विथ इक्वेशन टू, सॉल्व इट विथ इक्वेशन टू। इक्वेशन वन को हम 4.20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो करो 3 1. इक्वेशन वन को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 इंटू 300 इट इज 420x प्लस 675 इंटू 1.4 ये आता है 945y प्लस 4.20xy इज इक्वल टू 31,875 इंटू 1.40 इज इट 44,625। यस बच्चों, तो इक्वेशन वन को मैंने 4.20 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन टू चलो मैं एज इट इज लिखता हूं, और वो है 420x प्लस 960y प्लस 4.20xy इज इक्वल टू 45,000। एंड हमारा लक अच्छा है यहाँ पे बच्चों कि ये दोनों एट अ टाइम कैंसिल होने वाला है। देखो इसकी वजह से डायरेक्टली हमें y का वैल्यू ही मिल जाएगा, माइनस 15y इज इक्वल टू 44,625 माइनस 45,000 इट इज माइनस 375। तो 375 डिवाइड बाय 15 राइट, y इज इक्वल टू आ रहा है 25। y इज इक्वल टू आ रहा है 25। इसका मतलब क्या है, y 25 मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब हुआ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, आर 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। तो लेट अस यूज इक्वेशन 1, ऐसे कर देता हूं मैं। तो चलो बच्चों, 300x प्लस 675y की जगह मैं 25 लिख देता हूं, प्लस 3x इंटू वाई है 25 इज इक्वल टू 31,875 इज इक्वल टू 31,875। तो टेल मी, इज इट 300x प्लस 75x इज इक्वल टू 31,875 माइनस 675 इंटू 25 का आंसर है 16,875।
टेल मी इज इट 375x इज इक्वल टू 31875 माइनस 16875, करेक्ट है, इट इज 15,000. तो 15,000 डिवाइडेड बाय 375 आंसर इज 40. तो x इज इक्वल टू 40 माय फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू है 40. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयरफोर दो, मतलब इन्होंने पूछा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं. रेट ऑफ रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, रेट ऑफ रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हमारा एक्स था, दैट इज 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का 40%. एंड नेक्स्ट, रेट ऑफ रिकवरी ऑफ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो वाई था, आंसर इज 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट माय फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर. अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, यस और नो. हमने अभी तक कितने दो वर्किंग बनाए, बट एक्चुअली वी हैव आंसर्ड फर्स्ट क्वेश्चन ओवर देयर, यस और नो. बट उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है. अच्छा, क्या क्वेश्चन है? यस, सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर पूछा है. अच्छा, न्यू ऑर्डर का मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दिया है एंड सेलिंग प्राइस पूछा है. तो ठीक है, ये जो हमने रिकवरी रेट कैलकुलेट किए वो यूज करके हमें आंसर लाना है बच्चों. यस, यस बच्चों, यस चेतन, क्या बोल रहे हो भाई? 4.20 से मल्टीप्लाई किया कहाँ? 4. ओके, लेट अस मल्टी, अच्छा, लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1.40 ऑन बोथ द साइड्स है. यस यस बेटा, मैंने बोलते हो शायद 1.40 बोला था, लिखते हो गलत लिखा, 1.40 ऐसे लिखो. लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1.40 ऑन बोथ द साइड्स, प्लीज, इट्स माय मिस्टेक. लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1.40 ऑन बोथ द साइड्स एंड सॉल्व इट विद इक्वेशन 2 है. यस, करेक्ट बेटा, यस. और कुछ मैंने कैलकुलेट लिखते हुए कुछ मिस्टेक किया है आप बता दो बच्चों प्लीज. बट मैंने मल्टीप्लाई एक्चुअली 1.40 से ही किया है बाद में. यस, करेक्ट है. तो आप बताओ, हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर. तो राइट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर, तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर. बोलो मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर अपने को कैलकुलेट करना है. तो राइट डाउन, ए डायरेक्ट मटेरियल्स, बोलो आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना दिया था न्यू जॉब का? आई थिंक इट इज 64,000. बी डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस इट्स 50,000. तो इन दोनों के टोटल को वी विल कॉल इट एज प्राइम कॉस्ट. ए प्लस बी इज इट 1,14,000, प्राइम कॉस्ट 1,14,000 माय फ्रेंड्स. इसमें ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स. एंड कितना परसेंट है फैक्ट्री ओवरहेड्स? 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो इज इट बी इनटू 40%? तो
तो 50,000 का 40%, टेल मी इज इट 20,000, इज इट 20,000। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा सी प्लस डी, टेल मी इज इट 1,34,000, सी प्लस डी इज इट 1,34,000 माय फ्रेंड्स, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब बताओ फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एंड वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने हैं, 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, चेक करो वही है क्या, यस 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, तो इट इज ई इंटू 25% माय फ्रेंड्स, इट इज 1,34,000 का 25%, टेल मी इज इट 33,500, इज इट 33,500, तो अगर ये ऐड करेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू ऑर्डर, टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू ऑर्डर इज ई प्लस एफ, तो इट इज 1,34,000 प्लस 33,500, इज इट 1,67,500, इज इट 1,67,500, टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू ऑर्डर मिल गया। अच्छा कॉस्ट पता करने के लिए बोला है क्या उन्होंने, उन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस फाइंड करो बच्चों, तो क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स इज रिक्वायर्ड, तो आप बोलो प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स मतलब 1/5 ऑफ सेल्स है, 1/5 ऑफ सेल्स ये 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, 1/5 ऑफ सेल्स, 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ सेल्स इज अ प्रॉफिट, 20% ऑफ सेल्स इज मतलब 1/5 ऑफ सेल्स, 20% मतलब 1/5 ऑफ सेल्स, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट मतलब 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी जी इनटू 25%, तो 167,500 इनटू 0.25, टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट 41,875, इज इट 41,875, एंड अब बताओ एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर, एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर क्या रहेगा, एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर इज जी प्लस एच, टेल मी इज इट 167,500 प्लस 41,875, वेदर आंसर इज 2,09,375, चलो बच्चों कंफर्म कर दो ये आंसर करेक्ट है क्या, यस चेतन मौसम दर्शन दीपाली प्लीज बता दो भाई 2,09,375 तक आंसर करेक्ट है क्या, यस और नो, आप मुझे प्लीज कंफर्म कर दो कि ये आंसर करेक्ट है क्या यहां तक, यस यस बोलो मेरे भाई, कंफर्म कर दो कि ये आंसर करेक्ट है क्या, 2,09,375 सोराली का आंसर है, यस बेटा 2,09,375 इज द करेक्ट आंसर, मेरा आंसर तो यही है, यस तो अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स, ओवरहेड्स में और थोड़ा मजा आया क्या, अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ऑब्वियसली यही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें हम और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे जहां पे हम लोग अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन का कंसेप्ट पढ़ने वाले, ट्रीटमेंट फॉर अंडर और ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स जिसमें हम पढ़ने वाले हाउ टू यूज सप्लीमेंट्री रेट और ट्रांसफर टू नेक्स्ट पीरियड और ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल, इन शॉर्ट बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ विल यू ट्रीट अंडर और ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स, वो पढ़ने वाले, उसके लिए पहले अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन का मतलब समझना पड़ेगा, उसके लिए पहले प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट का मतलब समझना पड़ेगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, सो यहां तक सब क्लैरिटी है ऐसे ही मैं मानता हूं, एक बार मुझे कमेंट में बता दो ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं कि आज का लेक्चर सबको समझा क्या, एंड अगर सही में आपको ये लेक्चर में मजा आया तो वीडियो को लाइक करो बच्चों, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, राइट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, एंड ये बैच अगर यूजफुल हो तो राइट आपके सोशल मीडिया पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे राइट इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ये इंटरमीडिएट में है, स्पेसिफिकली जिनका एग्जाम क्लोज है, यस थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, यस सबको समझा क्या ये बता दो, एंड इसके आगे के लेक्चर्स के लिए राइट आप
परसेप्ट फॉर सीए पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या वी स्मार्ट के चैनल पे यू कैन प्लेस एन ऑर्डर माय फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर माय फ्रेंड्स। गुड।